पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बुधवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का दौर भी शुरू हो गया। नामांकन को लेकर बाड़मेर उपखंड कार्यालय व पंचायत समिति कार्यालय के बाहर बैरिकेटिंग करने के साथ पुलिस जाब्ता तैनात रहा। वहीं नामांकन के दूसरे दिन कई प्रत्याशियों ने रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष पेश होकर नाम निर्देशन पत्र जमा करवाए। बाड़मेर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 2020 के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के पद के चुनाव के लिए बुधवार को लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। हालांकि पहले दिन रिटर्निंग अधिकारी को कोई नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ था, वहीं नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन गुरुवार को जिला परिषद सदस्य के 2 नामांकन और पंचायत समिति सदस्य के 9 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए। इसमें बाड़मेर से 4, पालोत्रा से 1, बाड़मेर ग्रामीण से 2, धोरीमीना से 1, पाटोदी पंचायत समिति से 1 नामांकन पत्र प्रस्तुत हुआ। उस वार्ड में रहते हुए भी बालिका शिक्षा पर बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि गांव में ये मूलभूत सुविधाएं उनकी पूर्ति करना, और पहले तो यही है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए होगा, स्कूल की जो स्कूल आठवीं उसको आगे 10वीं करवाना, और 10वीं उनको आगे करवाना 12वीं करवाना, और जो सड़कें टूटी उसकी मरम्मत करवाना, और मूलभूत सुविधाओं पहली प्राथमिकता रहेगी, और किसान किसी भी प्रकार से किसी किसान की आँख में आंसू नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि बुधवार को शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया आगामी 9 नवंबर दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी। रविवार 8 नवंबर को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 10 नवंबर प्रातः 11 बजे होगी, जबकि 11 नवंबर दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत पश्चात 11 नवंबर को ही चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। प्रथम चरण के लिए 23 नवंबर, द्वितीय चरण के लिए 27 नवंबर, तृतीय चरण के लिए 1 दिसंबर और चतुर्थ चरण के लिए 5 दिसंबर को प्रातः 7:30 बजे से 5:30 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। मतगणना 8 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से जिला मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर में होगी। इसी तरह प्रमुख प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर को और उप प्रमुख का चुनाव 11 दिसंबर को होगा।